प्रज्ञा बहुत ही जोर शोर से तैयारियां कर रही है, लेकिन क्या इस बार ये 23 का जो सेमीफाइनल है ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है क्या? जिस तरह की तैयारियां आपकी यहां पर दिख रही हैं, जिस तरह की रणनीति में बदलाव दिख रहा है। पूजा जी नमस्ते और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, मेरे को पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है जिसकी तैयारी हमेशा चलती है। हमारी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव के 2 महीने पहले जागे और फिर जमीन पे काम करने लगे। हम साल दर साल, चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जनता के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। अभी मेरे भाई अजय जी कह रहे थे कि जनता मालिक है, लेकिन अजय जी के जो बॉस हैं वो तो कहते हैं कि जनता राक्षस है और वो उनका श्राप देते हैं। तो भाई, दोगलापन केवल INDIA अलायंस में नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में भी है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली में आकर देखिए किस तरीके से उनकी व्यवस्था चलती है, चाहे वो स्कूलों की बात हो या और कोई बात हो। छत्तीसगढ़ में जाके उसी व्यवस्था को आप नकार देते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे स्कूल चल रहे हैं सरकारी, ये तो बिल्कुल बेकार है। और फिर कांग्रेस के फिर से एक प्रवक्ता को उसके ऊपर कटाक्ष करना पड़ा है। तो ये INDIA अलायंस पहले अपने आप को कन्विंस कर ले कि ये साथ हैं और उसके बाद ये जनता को कन्विंस करने चले, क्योंकि आज की तारीख में मुझे ऐसे लगता है इन सबको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये साथ हैं या साथ नहीं है। आप किसी भी प्रदेश का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए पूजा जी, चाहे वो बंगाल है उसमें TMC के खिलाफ धरना दे रही है कांग्रेस, चाहे वो पंजाब है वहां पर कांग्रेस कहते आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी छत्तीसगढ़ में जाके अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कह दिया कि यहाँ के स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है। उसके बाद मतलब मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रही हूँ, आप किसी भी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, और इनका कोई भी आप अलायंस की कोई भी मीटिंग देख लीजिए, शुरू होने से पहले इनका डिवोर्स होना तय था क्योंकि इनकी बयानबाजी इसी तरीके की चल रही है। अच्छा, बात अगर हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं या प्रदेशों की कर रहे हैं, आज की तारीख में अगर हम प्रदेशों की कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाती है। ये रिपोर्ट कार्ड जनता से छुपाया नहीं जा सकता। जिस पार्टी को पक्ष में रहते हुए सरकार चलाते हुए दशकों हो गए हैं और उसके साथ तब भी जनता का आशीर्वाद बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है दिखाने के लिए कि उस पार्टी ने, उस सरकार ने कितना अच्छा काम करा होगा। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था 2005 में, जब शिवराज सिंह चौहान जी की पहली सरकार बनी थी। बीमारू राज्य को आज विकसित राज्य, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने का काम करा है भाजपा सरकार ने। मैं यही सारे आंकड़े मैं आपको राजस्थान के देखिए, वो रिपोर्ट सबने देखा, तो फिर क्यों शिवराज सिंह चौहान को आप अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे? और एमपी ही क्यों, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सीएम चेहरा कौन है किसी को नहीं पता। देखिए, ऐसा है पूजा जी कि बीजेपी की सिटिंग, हम ये अज्यूम करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। और उसके बाद हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, वहां पर कोई डर्टी लिनन पब्लिक में नहीं धोई जाती है जैसे कांग्रेस में धोई जाती है, कि चाहे वो सचिन पायलट जी की गहलोत जी से लड़ाई हो या और कोई लड़ाई हो। तो हमारी पार्टी में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से लिया जाएगा और सबके सामने रहेगा। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री है और वसुंधरा राजे, आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, उनको आगे क्या रोल देना है ये भी बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने जी। इस समय पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, तो कौन थी हमारी सीएम? वसुंधरा राजे थी। इसके बाद हमारी सरकार है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकती है पूजा जी साइडलाइन है? आपने वसुंधरा जी से पूछा क्या वो साइडलाइन है या नहीं? दो इतनी प्रमुख कमेटियां बनी है चारों पर गया, उसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं है, सब हैरान है ये जानकर। एक बात बताइए, मोदी जी कितनी कमिटी में हैं पूजा जी? ये तो देखिए आपस में डिस्कस करने की बातें हैं। अंत में चुनाव तब जीता जाता है जब सारे कार्यकर्ता साथ आते हैं, जमीन पर मिलकर काम करते हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ काम करते हैं। विपक्ष के केस में इसमें आज की तारीख में ना कार्यकर्ता, क्योंकि उनको आदत पड़ी पहले दिन से आखिरी दिन लड़ाई करने की, ना की नीति साफ है ना उनकी नीति साफ है, और उनको ऐसे लगता है कि विभाजन करके देश का नाम I.N.A. उनके साथ बचेगी, मैं नहीं मानती। भारत की जनता इससे बहुत ज्यादा समझदार है और अपना नाम बदल लेने से अपनी ये लोग नीयत नहीं बदल पाए।